दोस्तों ये है हमारे पास वीवो की तरफ से आने वाला Y22। आज इस मोबाइल के हम जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसका रिव्यू भी करके दिखाएंगे और बताएंगे कि ये किस तरह का मोबाइल है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस मोबाइल का बॉक्स कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बॉक्स काफी मोटा है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर हमें चार्जर मिल जाता है। चारों तरफ कुछ इस तरह का है। यहाँ पर जो है वेरिएंट दिया हुआ है 6GB + 128GB का वेरिएंट हमारे पास है ये, और पीछे कुछ की हाइलाइट्स दिए गए हैं। तो जल्दी से हम इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये मोबाइल है और अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। हमें एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। उसके अलावा हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह, और बॉक्स में हमें जो है 18W का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। उसके अलावा हमको एक टाइप सी केबल मिल जाती है और लास्ट में हमको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल की। दोस्तों ये कलर जो हमारे पास है इसको स्टार लाइट ब्लू बोलते हैं, देखने में काफी सही सा लग रहा है क्योंकि इस पे टेक्सचर से आपको देखने को मिल जाते हैं और ये जो है कलर भी थोड़ा सा शेड करता है, थोड़ा सा बदलता है, कहीं पर डार्क हो जाता है, कहीं पर लाइट हो जाता है। और अगर हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये दोस्तों पूरा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। साइड में भी हमको प्लास्टिक ही मिल जाती है। यहाँ पर दो कैमरास दिए गए हैं। तो इस साइड में कुछ हमको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, इसी में हमको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। और अगर हम इस साइड की बात करें दोस्तों, तो इस साइड में पूरा प्लेन रखा गया है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर हम नीचे बात करें दोस्तों, तो हमको नीचे जो है ऑडियो जैक मिल जाता है और प्राइमरी माइक मिल जाता है, USB टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल मिलता है। और ऊपर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है सिम ट्रे मिल जाती है और सामने की तरफ हमको यहाँ पर एक नॉच मिल जाती है। अगर हम वेट की बात करें दोस्तों, तो ये मोबाइल जो है 198 ग्राम का मोबाइल है और ये जो है IPX5 डस्ट प्रूफ है और IPX4 वाटर प्रूफ मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है 4G मिलता है, 5G नहीं मिलता है। यहाँ पर हमको जो है दो सिम भी मिल जाती हैं, आप दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है 6.5 इंच की HD+ IPS LCD स्क्रीन मिल जाती है और इसमें हमको लगभग 550 निट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाती है। दोस्तों इस मोबाइल की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी डिस्प्ले ही है। इस प्राइस में आपको जो है AMOLED डिस्प्ले भी मिल जाती है और ब्राइटनेस भी अच्छी खासी आपको मिल सकती थी, लेकिन इस मोबाइल में ना ही आपको इसमें AMOLED मिलती है, ना ही आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है और ब्राइटनेस भी आपको इसमें काफी कम मिलेगी। आउटडोर में आपको काफी दिक्कतें और परेशानी आने वाली है इस मोबाइल के साथ। अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G70 मिल जाता है जो कि सही परफॉर्मेंस दे देता है और इसी के साथ हमको Mali का GPU G52 मिल जाता है, आपको गेमिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोसेसर के मामले में तो ये ठीक है। इसके अलावा हमको इस UI है जो हमको फनटच OS 12 मिल जाती है और अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात की जाए दोस्तों, तो आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है जो कि आपको इस प्राइस रेट पे इससे अच्छी रिफ्रेश रेट मिल सकती थी। 120 नहीं तो कम से कम 90Hz तो मिल ही सकती थी। अगर दोस्तों उसके कैमरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है 50MP का मेन कैमरा और 2MP का माइक्रो कैमरा मिल जाता है और आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाती है। कैमरे के डिपार्टमेंट तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको जो है नाइट मोड का एक अलग से एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, कई सारे मोड भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों वीवो और ओप्पो के कैमरास की फैन फॉलोइंग बिल्कुल अलग लेवल की है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इनके कैमरास को पसंद करते हैं क्योंकि ये ब्यूटी वगैरह को काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, इस वजह से भी ये काफी चलते हैं। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है 8MP का कैमरा मिल जाता है और इसमें भी आपको कई सारे मोड्स मिल जाते हैं, लाइव फोटोज हैं और प्रो है, डॉक्यूमेंट्स भी बनाने का है, स्लो मोशन और पैनो वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। अगर स्पीकर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हमको सिंगल स्पीकर मिलता है और जो कि ठीक ठाक सा वॉल्यूम दे देता है आपको, ना ही ज्यादा हाई है और ना ही ज्यादा लो है। और अगर बैटरी की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें हमको जो है 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और इसी के साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि आपको थोड़ा स्लो फील करा सकता है और इसका फिंगरप्रिंट भी जो है काफी फास्ट काम करता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इंस्टेंटली आपका मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। और अगर इसके OS की बात करें दोस्तों, तो फन टच OS है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, इसमें आपको ब्लॉटवेयर भर भर के मिलेंगे। आप देख सकते हैं ब्लॉटवेयर के मामले में दोस्तों, ओप्पो वीवो जितनी भी कंपनियां चाइनीज से काफी जो है यूज करती हैं, काफी अजीब अजीब सी ऐप इसमें डाल देती हैं, जैसे आपको जोश और ये स्नैपचैट मौज पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। दोस्तों अगर ओवरऑल मोबाइल की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें जो है आपको कैमरा बिल्कुल ठीक ठाक सा मिल जाता है और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले के मामले में ये बिल्कुल बेकार है और प्रोसेसर भी आपको ठीक मिल जाता है। प्रोसेसर और कैमरा इसका ठीक है, बैटरी भी इसकी ठीक है और दूसरी चीज ये भी है कि ये 4G मोबाइल है और इसका प्राइस जो है काफी ज्यादा हाई है। इतने प्राइस में तो आपको 5G मोबाइल भी मिल जाएगा और अच्छे स्पेक्स के साथ आपको मोबाइल मिल सकता है दूसरी कंपनीज का। और फिर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच भी आपको वही पुरानी मिल जाती है,
तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है इस मोबाइल में। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो आपको जो है 4+64GB का जो वेरिएंट है दोस्तों, वो आपको जो है लगभग 14,500 का पड़ेगा। और ये जो मोबाइल मेरे पास है ये 6+128 का है, तो ये वाला वेरिएंट जो है आपको लगभग 16,500 का मिलेगा। और अगर इस प्राइस की बात की जाए दोस्तों, आपको इसमें आपको बहुत सारे मोबाइल आपको मिलेंगे मार्केट में, इससे बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी, कैमरास भी मिलेंगे और डिस्प्ले भी आपको मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह की इसकी ये कहानी थी दोस्तों। और दोस्तों आपको ये मोबाइल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आपने खरीद लिया है तो भी आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा, आप किस तरह का ये मोबाइल काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर दोस्तों आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।